हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ एक रिव्यू वीडियो लेके और ये रिव्यू वीडियो है अर्बन कंपनी के बारे में मैंने पहले भी अर्बन कंपनी के कुछ सर्विसेज के रिव्यू किए हुए हैं जब स्टार्टिंग में उन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था उनका रोल ऑन वैक्सिंग और मैंने उसका रिव्यू किया था एंड उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया था अगर आप चाहते हो वो वीडियो देखना एंड अभी तक आपने रोल ऑन वैक्सिंग ट्राई नहीं की है तो डेफ़िनेटली मैं आपको यहाँ पे कहीं भी उसकी लिंक जो है वो मैंशन कर दूंगी आई बटन में आप कभी कहीं भी देख पा रहे होगे तो आप उसको ज़रूर से देखना आज मैं जिस सर्विस के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्विस है जो कि है नेल की ओके okay. आपको पता है कि आज के समय में आ, बहुत हमें ऐसा लगता है लोग बहुत अलग अलग टाइप के आ, नेल एक्सटेंशन जेल नेल पेंट्स या बहुत सारी नेल से रिलेटेड सर्विसेज करवाते हैं बट एज ऑफ नाउ उसका एक्सपोजर आ, जो था वो सैलॉन्स में था और सैलॉन्स में ये सर्विसेज कॉस्टली थी एम टेलिंग यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जब अपनी शादी के टाइम पर मेरे नेल एक्सटेंशन करवाए थे फ्रॉम अ सैलून तो मुझे उसका कॉस्ट कुछ अराउंड मतलब उसका रिमूवल प्लस उसका एप्लीकेशन दोनों मिला के कुछ अराउंड फोर फाइव थाउजेंड के अराउंड पड़ा था मुझे उस टाइम पे सो आई वाज लाइक ओके मैंने बहुत सारी जगह पे पता भी किया था और रेट वही थे ऑलमोस्ट एंड मैंने थोड़ा छोटी सिटी से कराए थे तो हो सकता है कि वो रेट का आपको कम लगे या हो सकता है आपको वो ज़्यादा भी लगे बट मैं अपना एक्सपीरियंस एग्जैक्टली आपसे शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे इतने पैसे नेल एक्सटेंशन में तो नहीं देने हैं तो मैंने क्या किया मैंने स्विच किया एक ईजी ऑल्टरनेटिव में जो कि है प्रेस ऑन नेल्स ओके अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पहले से फॉलो करते हो या आप मुझे आ, नहीं करते हो तो कर लो तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे अलग अलग इंस्टाग्राम स्टोर कोर्स के प्रेस ऑन्स ट्राई करती रहती हूँ कुछ लोगों ने मुझे भेजे भी हैं मैंने वो भी ट्राई किए हैं मैंने सबके वीडियोस फ़ोटोज़ शेयर की है अगर मुझसे किसी ने पूछा भी है कि बेस्ट सजेशन क्या है मैंने उनको वो भी बताया है अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ कि आपको अफोर्डेबल नेल्स चाहिए आ, प्रेस ऑन वाले तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पता हैं वो भी जेन्यून वाले क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए और मैं आपको सबके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी भी अगर आपको लगता है तो अगर आपको लगे तो मुझे जरूर बताना ओके okay? तो ठीक है हम बात कर रहे थे कि अभी हम जो प्रेसो नेल्स जो यूज़ करती थी बट क्या होता है यार प्रेस ऑन का आपके वो अगर पानी में बहुत ज़्यादा आपके हाथ रहते हैं तो वो प्रेस ऑन का जो ग्लू है वो तीन चार दिन में निकल जाता है तो बार बार ऐसा होता है कई बार कि मान लो कि अब बाहर हो अब वो निकल गया तीन दिन बाद तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है तो कई बार थोड़ा सा लगता है कि अरे यार मैं ये वाला मुझे झंझट नहीं चाहिए मुझे बस नेल्स लगवाने ठीक है दूसरा आता है कि यार बहुत लंबे लंबे एक्सटेंशन नहीं चाहिए क्योंकि प्रेस ऑनस होते हैं वो एक नॉर्मल साइज़ के आते हैं छोटे भी लोग बनाते हैं बट जनरली अगर आप जेनेरिक नेल प्रेस ऑन नेल्स देखोगे तो वो एक एक साइज से बड़े होते हैं मतलब मीडियम या ओवल या थोड़े से लंबे तो अगर आप वो इंसान हो कि नहीं यार मेरे को इतने लंबे लंबे नेल्स नहीं चाहिए मुझे थोड़े छोटे नेल्स चाहिए जो मैं डेली के सारे काम कर सकूँ तो फिर हमारे पास जो होते हैं ना चॉइस लिमिटेड हो जाती हैं इसीलिए मुझे ना मेरे को लगा कि चलो मैं अर्बन कंपनी का ट्राई करती हूँ ठीक है तो मैं आपको ना क्या करूँगी पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ क्या हुआ कैसा प्रोसीजर था क्या सारी चीज़ें थी और फाइनल रिजल्ट मैं एंड में आपको बताती हूँ कैसा था ठीक है बट आप प्रोसेस देखो आप खुद रियलाइज़ करो कि आपको कैसा लग रहा है एंड मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था मूव टू दैट पार्ट ऑफ़ द वीडियो अच्छा तो क्योंकि मैंने जेल पॉलिश करवाया था सॉलिड कलर्स तो वो जब तक अपना सारा सामान अरेंज कर रही थी उन्होंने मुझे कलर चॉइसेस दे दिए थे उससे मैंने इसको और छोटा करते हुए ये तीन फाइनलाइज़ किया और इसमें से सोच रही थी मैं कौन सा करूं फिर मैंने उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे वेडिंग के हिसाब से चाहिए बट मुझे कोई स्पेसिफ़िक कलर नहीं चाहिए जो सब पे चला जाए तो शी रिकमेंडेड मी कि मैं बीच वाला करवाऊँ एंड आई ऑल्सो लाइक दैट तो ये रहा उनका छोटा सा सेटअप जो उन्होंने जो भी चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड थी उन्होंने सब एक जगह टेबल पे रख लिया एंड नाउ उसने एक मुझे एक तकिया छोटा सा दिया जिसपे मैं अपने हाथों को रख सकूं एंड आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होने वाली हैं मेरे हाथों पे उन्होंने एक जगह बहुत प्रोफेशनली रखी और अब हम अपना रेल सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि नेल एक्सटेंशन का सबसे पहला स्टेप होता है नेल प्रेप जिसमें ये कटिंग फाइलिंग शेपिंग और क्लीनजिंग ऑफ नेल्स करते हैं तो उसी को उन्होंने स्टार्ट किया है बहुत ही हल्के हाथों से कर रही है मुझे बार बार ये पूछ रही थी कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है शी वॉज़ रियली नाइस एंड इवन मैं बार बार उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी ये क्या है ये क्या है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था शी वॉज़ पेशेंटली आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ अब उन्होंने जो भी मेरे क्यूटिकल्स में एक्स्ट्रा स्किन थी उसको रिमूव करा बिकॉज एक्सटेंशन में नेल्स लगाने से पहले ये सब आपको थोड़ा सा पुश करके उनको क्लीन करना होता है तो अब उन्होंने वो स्टार्ट किया है सो आफ्टर दैट नाउ शी हैज़ स्टार्टेड विद बफिंग द नेल्स एक्चुअली बफिंग हम नेल्स को थोड़ा शाइनियर लुक देने के लिए करते हैं एंड ऑल्सो ये जो लास्ट स्टेप है जो अब हम नेल एक्सटेंशन के लिए जो नेल्स लगाते हैं उसे जस्ट पहले बफिंग बफिंग करके नेल्स को प्रॉपर शेप देते हैं छोटा ताकि उसके ऊपर नेल का एक्सटेंशन लगाया जा सके अब अगला स्टेप आता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंशन टिप तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे इनके पास नेल्स थे जिनको इन्होंने मेज़र कर कर के मेरे जो भी फिंगर के नेल्स का साइज़ है उसे एक्यूरेट मेज़र कर कर के इसको इन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया एक एक नेल का मेज़रमेंट अलग अलग लिया बहुत ही प्रॉपरली एंड उसके बाद थोड़ा सा इसको बफ़ कर करके साइड में नेल्स को रखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया अब नेल ग्लू की हेल्प से ये मेरे जो भी नेल्स हैं उसके ऊपर एक्सटेंशन टिप को लगाना स्टार्ट करेंगी एंड इसको लगाने के बाद ये दो सेकंड के लिए इसको होल्ड कर रही हैं और उसके बाद ये पुश करके देख रही हैं खींच के देख रही हैं कि अच्छे से चिपके हैं कि नहीं हैं एंड इस तरीके से इन्होंने सारी उंगलियों में, में मेरे एक्सटेंशन टिप लगा दी सो दिस इज़ हाउ माई एक्सटेंशन आर लुकिंग एज ऑफ नाउ अभी इनको शेप करना बाकी है तो अब हम उसी की तरफ बढ़ेंगे सो so, इन्होंने मुझसे डिस्कस कर लिया था कि मुझे कितना साइज़ चाहिए अपने नेल्स का मुझे बिल्कुल बड़े नेल्स पसंद नहीं हैं एंड मुझे बहुत सारा काम करना था तो मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारा काम करना होता है तो मैंने इसलिए उन्हें बोला था कि बहुत छोटे ही नेल्स रखिएगा तो उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखा और मैंने जितना साइज़ बोला था उतना ही कट किया है और अगेन अब इसका बफिंग स्टार्ट कर दिया है उन्होंने नेल्स का तो लो जी बफिंग ख़त्म हो गई है और अब लग रहा है नेल्स में प्राइमर और प्राइमर लगने के बाद अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे तो प्राइमर लग गया था अब बिल्डर जेल लगना स्टार्ट हो गया है बिल्डर जेल के दो कोट्स लगते हैं और उसके बाद हम अल्ट्रा वॉयलेट क्यूरिंग जो मशीन होती है इनकी उसमें इसको रखते हैं तो बस अब ये जैसे ही पाँचों उंगलियों में लग जाएगा ये देखिए अब मैंने रख दिया है अपना हाथ मशीन के अंदर अब ये जैसे मैंने अपने हाथों को निकाला उन्होंने हल्का सा बफ़ किया है बहुत ही हल्के हाथों से और उसके बाद ये सारे नेल्स को अब अच्छे से क्लीन कर दिए हैं ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है नेल एक्सटेंशन टिप लग गई है सब कुछ हो गया है बस अब इसके ऊपर जेल पॉलिश लगने की देर है तो ये लीजिए जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई तो फाइनली जेल नेल पॉलिश लगना स्टार्ट हो गया है ये टोटल दो घंटे के प्रोसेस थी दो घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लग गया बट स्लोली करना इसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप इधर उधर चूक गए तो गड़बड़ हो सकती है तो ये देखिए फुल एक्सटेंशन हो गया है और अब लग रहा है क्यूटिकल ऑयल ये बहुत ज़रूरी है तो ये अब क्यूटिकल ऑयल लगाएंगी और ये थोड़ा सा मेरे को सिक्सटी सेकेंड का इन्होंने मसाज दिया था और इट वॉज रियली गुड बहुत अच्छा था लाइट हाथों से इन्होंने मसाज किया एंड इस तरीके से एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद सो दिस इज द फाइनल लुक ओके तो आपने मेरा वीडियो पूरा देखा आपको रिजल्ट दिखे ये हैं मेरे पेंशन वाले नेल जो कि मैंने बहुत छोटा साइज़ कराया था ये मेरा खुद का पर्सनल चॉइस था एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये करवाया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक दिन से इनको यूज़ कर रही हूँ मुझे मेरे डेली एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड वे आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एंड ये क्या है ना यार बहुत कन्वीनियंट है आप देखो और कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसा है कि आपको बहुत सारे शेप साइजेस अलग अलग पैटर्न सब पता लगे लगेंगे उसमें अगर आप देखो अगर आपको फिर भी ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा है वैसा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूंगी कि एक बार ट्राई करने के लाइक तो हेयर हज़ार रुपये या ग्यारह सौ रुपये में, में मेरा टोटल एक्सटेंशन हुआ वो भी मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने सॉलिड कलर लिया था देखो मैं डेली में सॉलिड कलर पसंद करती हूँ मुझे बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है नेल्स पे आई लाइक लाइक इट मोर सॉलिड तो मैंने इसलिए ये कराया थोड़े से प्राइजेस बढ़ते जाते हैं बट स्टिल स्टिल वो आपको सैलॉन से सस्ता ही पड़ेगा प्लस दे आर वेरी हाइजीनिक बहुत अच्छे से आते हैं आप अपने टीवी चला सकते हो आप अपनी बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो इवन अभी वर्क फ्रॉम होम है आप घर से अपने कॉल्स ले सकते हो सारी चीज़ें कर सकते हो मीन वेल शी विल बी डूइंग योर नेल्स तो मुझे ये कार्बन कंपनी वाले जो लोग आते हैं करने उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है दे आर रियली वेरी कॉपरेटिव ओके बहुत कॉपरेटिव होते हैं बट मैं एक और चीज़ साथ में बोलना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके घर पे कोई भी अर्बन कंपनी या कोई भी दूसरा इंसान आता है जो ये सारी सर्वरिस ये सारी सर्विसेज करता है तो प्लीज़ ट्रीट हिम नाइसली क्योंकि दे आर डूइंग लाइक अ रियली ग्रेट जॉब आपने कभी रस्तों पे देखा हो तो ये लोग इतने बड़े बड़े बैग लेके स्कूटी पे या कई बार तो मैंने पैदल भी देखा है ये बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड दे डू हार्ड वर्क लाइक टू earn that मनी तो हमेशा ना उनके साथ लाइक बी पोलाइट विद देम उनको पानी पूछ लो अगर आप उनसे पूछ लोगे, चाय पियेंगे या कुछ खाएंगे तो वो एक अच्छा होगा ये मैं आपको जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ भी खुश हो जाते हैं कि जिन लोगों के यहाँ पे वो आए हैं दे आर ट्रीटिंग देम नाइसली आई आई टॉक टू हर एंड शी वॉज सेंग लाइक यू आर वेरी नाइस आई रियली लाइक इट यू आर यू नो टॉकिंग टू मी यू आर बिहेविंग इन दैट वे टू मी एंड शी वॉज रियली अप्रिशिएटिंग दिस एंड इट वॉज लिटिल बट ओवरवेल्मिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉज डूइंग जस्ट माई नॉर्मल जॉब आई वॉज टॉकिंग जैसे मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ तो मैं कुछ अलग नहीं कर रही थी बट दैट सिंपल उससे बात करना वो सो मच यू नो इतना अच्छा था उसके लिए वो शी इज वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे देख के अच्छा लगा कि ओके okay, चलो नाउ शी इज वेरी कंफर्टेबल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी एंड आई लाइक मतलब उसने अपने से ही इतने अच्छे से किया कि मैं क्या बताऊँ मतलब बहुत अच्छी सर्विस थी तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो टू कन्वे दीज स्मॉल थिंग्स विद यू एंड ऑल्सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो वो बहुत अच्छा था इन टोटल मैं लाइक समराइज करूँगी अपने वीडियो को इन टोटल द एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस प्राइज वाइज टाइम इज़ ऑल्सो लाइक मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो मेरे को हर चीज़ों के तरफ से ये एक इफ़ेक्टिव डील लगी डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना एंड आई होप मेरा सारा एक्सप्लेनेशन सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करो तो डेफिनेटली इसको शेयर कर देना मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम परफेक्ट इंपर्फिक का सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना And yes, at last but not least, believe in the philosophy of loving yourself. Bye bye.